दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में कितना दम है, 1 2 3 4 चार और एक नीचे 5 और इस नीचे वाली को मिला के 5। अरे मैं मान लगा 6 ईंट, 6 ईंट का वजन कैसे इस ट्रैक्टर ने अपने ऊपर टिका रखा है। इसको कहता हूँ मैं पंजाब का ट्रैक्टर। एक किस पे पंजाब के शेर का भी फोटो छप रहा है, सिद्धू मूसे वाला मेरे फेवरेट सिंगर। एक सेकंड दोस्तों मैं इसके टायर लगा। दोस्तों मुझे काम मिला था कि ये जो जगह जगह सामान है उन्हें इसमें भरना है, और देखो बैकअप के लिए भी मेरे पास एक ट्रैक्टर है, अगर जरूरत पड़ी बैकअप की तो ये बैकअप के लिए इसका पंप सब बोनट हटा दूंगा। यह भी इतना ही पावरफुल है जिसमें यह है, यह ट्रैक्टर उठ नहीं सकता। ये ट्रैक्टर उठ का जोर लगा हुआ है इसर की तरह है। ये स्वराज 744 वो नए मॉडल का आ रहा है ना, ये वो है स्वराज 744 नए मॉडल का रेड कलर में आया था ना, ये वो है मेरा। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। दोस्तों मुझे ट्रोलर एक तरफ खड़ा करना पड़ेगा, इसमें जोड़ के खड़ा कर दूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर तो कहीं और जा रहा। इसको तो मैं मुझे फन्ना कर भेज रहा पेंट पे है नहीं पापा, मेरे पास बैकअप भी तैयार है, बैकअप है मेरे पास। दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, और इसमें मैं इसमें डिग्गा डम्मा यहाँ डिग्गा लगाऊंगा जिससे कि ये पूरे वजन को हैंडल कर ले। अब मैं कुछ देर जुगाड़ करूँ, कर ले कोई जुगाड़। वो दूसरा ट्रैक्टर है ना उसका बम्पर अड़ा दूँ इसमें। दोस्तों इस ट्रैक्टर पर भी काम होगा, इसका आगे वाले टायर सही करने हैं मुझे। दोस्तों मैं इसका ये दोस्तों हो गया बहुत बड़ा हादसा, ट्रैक्टर का ट्रोला पलट गया मेरा। आई मर गया मैं भी, आई बच गया। दोस्तों इस ट्रैक्टर को खरोचनी है, ये भी दबा, ये इसने तो स्टंटी मारा था, यह भी बच गया। ट्रॉली दब चुकी है, अब ट्रॉली को इस ट्रैक्टर में जोड़ूंगा, क्योंकि दोस्तों जोड़ना कष्ट बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं लेने का। अब मैं डिग्गा हिच लिया हूँ इसका, दोस्तों लगा दिया है। अब इसको ट्रॉली को फिर से सीधा करना पड़ेगा। हो गई ट्रॉली सीधी, ट्रॉली हवा में है, इसका मतलब ट्रैक्टर उठने वाला है। दोस्तों मैं ट्रॉली के ही टायर चेंज करूंगा, ट्रैक्टर में इसका ओरिजिनल टायर लगेंगे। दोस्तों पहला इट्टा भरता हूँ मैं इसमें, 1 2 3 ट्रैक्टर आगे से उठेगा गारंटी, ये ट्रैक्टर आगे से उठ चुका है गारंटी थे मेरी। अब इसमें वो सिस्टम नहीं, वो जिसकी छतरी आगे छतरी ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें कमी छोटी जाएगी। बहुत अच्छे, मैं ट्रैक्टर ही दबंग ले रहा हूँ, ना ट्रोला ही नहीं भर सकता। पर आपको पता है हमारे देश का क्या नाम है, इंडिया, और इंडिया के जुगाड़ कामयाब जरूर होते हैं, तो मैंने इंडियन जुगाड़ लगा दिया इसमें। ये देखो इंडियन जुगाड़ लगा दिया है, ये तो आगे कोई चला गया। पैर से दबाना पड़ेगा, ट्रोला ही मुड़ गया। देखिए इसमें भर लूँ मैं, लगा दिया इस पर ईटा रख दूँ, ईटा दिया रख तो गया गिर। दोस्तों ये थी फालतू वीडियो। दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस लाल ट्रक कलर के ट्रैक्टर को 1 स्वराज 744 बब्बर शेर ना बनाऊं। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं एक लाल बब्बर शेर। पहली बात तो छतरी उतारनी पड़ेगी, पूरी दिख गया छतरी, कोई नहीं, वाइट कलर होगा यहाँ यहाँ, और यहाँ कलर तो बहुत सारे रहेंगे। पहले मैं इसका स्टीकर उतार के पीछे का डैक उतार के इसको धोकर लाऊंगा, फिर इसके अच्छे से टायर पैर लगा के इसको यहाँ इसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू करते हैं। एक दो दोस्तों सेटअप हो चुका है, ये रखे हैं सामान, अब इनको रखता हूँ यहाँ साइड में, यहाँ से अपने सामान लिया, यहाँ काम करा जारी। तो दोस्तों मेरा प्लान ये है कि स्वराज ही बनाना है इसको पूरा, कोशिश करूँगा।
और स्वराज तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा बनेगा, स्काई ब्लू कलर का होता है। तो इसके बोनेट पे पहला पहले उसमें लग कर दिया पेंट, मतलब एक बार करा मैंने इस पे कोट, 3-4 बार और करना पेंट तो भी ये बिल्कुल स्काई ब्लू हो जाएगा जैसे ओरिजिनल स्वराज का होता है। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ट्रैक्टर है तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा। कई बार मुझे कई दिन भी लग सके इस पे पेंट करने में, पर देखता हूँ थोड़ी देर बाद एक बार और कर दूंगा जब सूख जाऊँ। दोस्तों मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस लाल ट्रक कलर के ट्रैक्टर को 1744 बब्बर शेर ना बनाऊं। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं एक लाल बब्बर शेर। पहली बात तो छतरी उतारनी पड़ेगी, पूरी दिख गया छतरी कोई नहीं, वाइट कलर होगा यहाँ यहाँ और यहाँ कलर तो बहुत सारे रहेंगे। पहले मैं इसका स्टीकर उतार के पीछे का डैक उतार के इसको धोकर लाऊंगा, फिर इसके अच्छे से टायर पैर लगा के इसको यहाँ इसकी इसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू करते हैं। एक दो दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप करना हूँ। दोस्तों सेटअप हो चुका है, ये रखे हैं सामान, अब इनको रखता हूँ यहाँ साइड में, यहाँ से अपने सामान लिया, यहाँ काम करा जा रही। तो दोस्तों मेरा प्लान ये है कि स्वराज ही बनाना है, इसको पूरा कोशिश करूँगा। स्वराज तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा बनेगा, स्काई ब्लू कलर का होता है। तो इसके बोनेट पे पहले उसमें लग कर दिया पेंट, मतलब एक बार करा मैंने इस पे कोट, 3-4 बार और करना पेंट तो भी ये बिल्कुल स्काई ब्लू हो जाएगा जैसे ओरिजिनल स्वराज का होता है। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ट्रैक्टर है तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा। कई दिन भी लग सके इस पे पेंट करने में, पर देखता हूँ थोड़ी देर बाद एक बार और कर दूंगा जब सूख जाऊँ। आप देख सकते हैं छोटा ट्रैक्टर बुग्गी पे जोड़ लिया, चाचू भी आ गए, देखिए पिदोनी मैसी बुग्गी पे जोड़ लिया। नहीं तो नया काम मिल गया, ट्रैक्टर पर मंजा जोड़ कर ले आए, ट्रैक्टर को और मंजा को ले चलेंगे खेत में। देखो अम्मा दोस्तों दादू भी आ लिए, मैं चाचू भी चलती है ट्रैक्टर लेके, देख लो चलो चलो भागते। चाचू कहाँ चलाया तो सुना पड़ा पूरा है? भूल हो रही है तो चलो कोई ना, दादू भी साथ। चाचू ऐसे ही मजा आवे, तू चलाया कहाँ था इतनी धूल में हो रहा चलाया कौन तो इतनी धूल में हो रहा। चाचू आप चला रहे थे इसको ट्रैक्टर को है? अब आप चला रहे थे रूटावेटर पर चला रहे थे खेत में, शायद सूखी पत्ती होगी तभी इतनी धूल। वो रास्ते की तरफ जो था ना वो दोबारा पहला जो भान था वो सूख गया। अच्छा उस पर चलाया ट्रैक्टर की सर्विस भी होगी? हाँ जी होगी, पाले फट गए इसके, इसका टायर इतना घातक लग रहा है ना चाचू, इसका अगला टायर घातक लग रहा है, देखो क्या लग रहा है इसका अगला टायर, सारा पट्टी में हो रहा हमारा मैसी। इतना दिन बाद ना हो चाचू ट्रैक्टर पे एक साथ, बैक करियो एक बड़ी से वो
अल्लाह।